नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और आज देश में दुर्गा पूजा की धूम है, यानी नवरात्र का त्यौहार, जिस दिन 9 दिनों तक आदिशक्ति देवी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और आज नवमी है, जिस दिन खास तौर पर कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन आज भी महिलाओं का शोषण होते हुए देखने को मिलता है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है। जब हम खुद को मॉडर्न कहते हैं, इस वक्त भी महिलाओं को उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठते हैं। रीति रिवाज की डोर से बंधी महिलाओं को आज भी खुद को साबित करना पड़ता है। क्षेत्र कोई भी हो, महिलाओं की संख्या कम देखने को मिलती है। बात करें राजनीति की, तो महिलाओं के नाम पर काफी राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन जब उनकी भागीदारी की बात आती है तो वो कहीं नजर नहीं आती। दावे वादे तो बहुत किए जाते हैं महिलाओं की शिक्षा और विकास को लेकर, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाती हैं। घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिला आज चांद तक पहुंच गई है, लेकिन जमीन पर आज भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने एक बड़ा मुकाम पाया है, महिला होने के बावजूद उन्हें पुरुषों से ज्यादा सम्मान मिलता है। खेल के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर अंतरिक्ष में जाने की बात क्यों ना करी जाए, फाइटर प्लेन उड़ाने की बात करी जाए, या फिर अभिनय की बात करी जाए, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम फहरा रही हैं। लेकिन आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कई सवाल खड़ी करती हैं कि जहां एक तरफ देश में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, नारी को शक्ति का स्वरूप बताया जाता है, तो वहीं उसके ऊपर अत्याचार भी किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, उसको वो स्थान, वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहां कमी आती है जो अभी भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है। तो इन्हीं संघर्षों के ऊपर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को उठाने से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर महिलाएं अपने आप ही आगे पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मानसिकता है जिसकी वजह से महिलाओं को या तो कमजोर समझा जाता है, या फिर समझा जाता है कि नहीं, पुरुष ही आगे रह सकते हैं, महिलाएं नहीं। क्यों पुरुष समाज और महिला समाज को एक बराबर नहीं समझा जाता? क्यों अभी भी भेदभाव होता है? क्यों अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको छुपाया जाता है? तो तमाम चीजों और तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और उन हस्तियों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने नारी के स्वरूप की एक अलग ही परिभाषा पेश करी है। वो चाहे राजनीति हो, या फिर किसी मुख्यमंत्री की बात हो, या अभिनेत्री की बात हो, खेल जगत की बात हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे परचम लहराया है महिलाओं ने। तो आज नवमी का दिन है, जिस दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है और महिलाओं की पूजा करी जाती है। और उसी देश में कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें उठाना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ, हमारे पैनल में ऐसी ही नारियां जुड़ चुकी हैं जो आज हमारे साथ चर्चा करेंगी। हम स्वागत करते हैं सभी का। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी से जुड़ी हैं, तरन्नुम श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं, अनुप्रिया मिश्रा जी, अनु मिश्रा जी समाज सेवी हैं, और रिया मिश्रा प्रसपा से जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने मुद्दा उठाया है नारी का, जो कि एक बहुत जरूरी मुद्दा भी है, क्योंकि 9 रूपों की पूजा 9 दिन करी जाती है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो नारी उठाना चाहती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे अनीता जी, कि महिलाओं को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बात बिल्कुल सत्य है कि महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, उनको अपना परिवार घर संभालते हुए बाहर का भी देखना पड़ता है, और महिलाओं पे जिम्मेदारी डबल होती है। उसके बाद वो इतना स्टेमिना रखती है कि वो सारा कार्य बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उनको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि जो पहले वाला महिलाओं का स्थिति थी, आज महिलाओं की स्थिति काफी हद तक एक सुधर चुकी है। महिलाएं आज जो है पायलट भी हो रही हैं, आज महिलाएं राजनीति में भी जा रही हैं, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में भी महिलाएं नंबर एक पे आ रही हैं। बिल्कुल। और उनके परवरिश के लिए भी आज जो लड़कियों में और लड़कों में लोग फर्क नहीं समझ रहे हैं, आज बेटी को भी वो सम्मान दे रहे हैं जो बेटे को देते हैं। बहुत काफी चेंज आया है जी, हमारे देखते देखते ही बहुत चेंज आया है।
हमारे समय में जो चेंज था आज काफी चेंज आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगी कि तब भी महिलाएं आज भी पुरुषों से काफी पीछे रह जाती है। किस जगह पे, जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे सिलेक्शन होता है, इलेक्शन में तो वो अपने आप आगे निकल जाती है, लेकिन जहाँ सिलेक्ट करना होता है किसी को, जैसे राजनीतिक क्षेत्र है जहाँ पुरुषों लोग सिलेक्ट करेंगे कि इनको संगठन में लिया जाए, इनको पार्टी में लिया जाए, इनको आगे टिकट दी जाए ना दी जाए, उसमें या जहाँ सिलेक्शन वाली बात आती है वहाँ आज भी महिलाएं पीछे, जहाँ कॉम्पिटिशन की बात है वहाँ महिलाएं आज भी आगे है। अनीता जी, जिस तरह से हम देखते हैं महिलाएं काफी मशक्कत करने के बाद आगे बढ़ती हैं, घर की जिम्मेदारियों से जूझकर अपने परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ती हैं और एक नया मुकाम हासिल करती हैं, लेकिन जब वो समाज के बीच जाती हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी शोषण होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बात सही है कि लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि महिलाएं इस समय काफी बोल रहे हैं और इतनी सुविधाएं हो चुकी है, एक सोशल मीडिया के नाते और दूसरा राजनीतिक, उससे मतलब जो सरकारों ने आज इतनी सुविधाएं दे रखी है कि आप स्वयं आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो कहूंगी कि उनको संघर्ष करना पड़ता है घर में भी, बाहर भी और आगे बढ़ने में भी, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो महिलाएं आज पुरुषों से काफी आगे हैं और अपने बल पे आगे हैं, और मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से संभालती भी है, वो परिवार को देखते हुए बाहर का ही बहुत अच्छे से संभालते हैं, जबकि पुरुष इतना अच्छा नहीं संभाल सकते जितना अच्छा महिलाएं संभालती हैं। इस चीज को हमने स्वयं देखा, चाहे अपनी बेटियों में देखो, चाहे अपनी बहुओं में देखो, चाहे अपने आप को देखो। जी, अब मैं आरती जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से महिलाएं काफी दिक्कतों का सामना करते हुए आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के बारे में क्या कहेंगी? जिस तरह से बहुत सी अभी भी ऐसी लड़कियां हैं, भेदभाव होता है, लड़कों को आगे बढ़ा दिया जाता है, महिलाओं में शिक्षा की अभी भी कमी देखने को मिलती है, क्या कहेंगी? देखिए, ये तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि महिलाओं में शिक्षा का अभाव अभी भी है, क्योंकि आज जैसे कन्या पूजन हो रहा था और आज हम कन्याओं को ढूंढ रहे थे, लेकिन कल से अगर किसी को कोई कल से सबका एक नजरिया होता है कि मुझे बेटा चाहिए, यहीं पर होता है, यहीं पर होता है कि अभी भी शिक्षा का अभाव महिलाओं में है, और हर क्योंकि शिक्षा का महिलाओं है अभाव है महिलाओं में, तो उसमें यह है कि भाई अगर हमें वो चीज का अभाव है तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी बेटी पढ़ाई करे, आगे वो पढ़े, लेकिन इसी का रीजन है कि इसी का ये है कि हम लोग जो है महिलाओं को पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि एक मानसिकता ये बनी हुई है कि बेटा पहले है, और ये मानसिकता जिस दिन दूर हो जाएगी उसी दिन बेटा और बेटी में फर्क नजर आने लगेगा कि बेटी बेटों से फिर आगे है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आज विधायक नेता या जो भी इसमें राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अधिकतर पुरुष होता है, लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि वो पुरुष आगे क्यों होता है राजनीति में? क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी एक महिला है, वो घर संभाले हुए, पुरुष अपने घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल विरक्त हो चुका है और वो आराम से ये काम कर रहा है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी एक महिला है। आरती जी, ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि पुरुष ही महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या वो उसे अपना कॉम्पिटिशन समझते हैं? बिल्कुल कॉम्पिटिशन समझते हैं उसको, वो ये सोचते हैं कि एक उनकी एक मानसिकता ये है कि अगर मेरी पत्नी मेरी बेटी कहीं बाहर निकलेगी तो उसको ऐसा ना हो कि गंदी नजरों का सामना करना पड़े, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता है कि वो गंदी नजरें किसकी हैं, तो पुरुष की ही ना, तो इसलिए पहला ये कारण। दूसरा कारण ये है कि पुरुष में ये भावना रहती है कि अगर मेरी पत्नी आगे बढ़ेगी तो ऐसा ना हो मैं पीछे हो जाऊं, मेरा कहीं समाज में कहीं मेरा सम्मान ना हो, मेरी पत्नी का सम्मान हो और मेरा सम्मान ना हो, तो ये भावना हर पुरुष में रहती है। जी तरुणिमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी सरकार दिल्ली में है तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? दिल्ली को बहुत मॉडर्न माना जाता है, तो दिल्ली में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है लड़कियों के लिए और बाकी देश में किस तरह की व्यवस्था है? जो देश है हमारा भारत देश, पहले इतना सुरक्षित था, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी राजा का नाम लेते थे तो हम उसके पीछे माँ का नाम लिया जाता था कि हमारी जो उनकी माँ कौन है जी। लेकिन अब धीरे धीरे वो पुरुष प्रधान देश हमारे देश को बना दिया गया, पुरुष प्रधान देश के बनते ही महिलाओं के साथ उत्पीड़न अत्याचार उन्हें दबाकर रखने का शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी हमारे इतिहास पे लिखा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए
कई हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे कई नेता आगे आए, जैसे विधवा प्रथा थी जिसमें पुरुषों को पुरुषों के साथ जला दिया जाता था अगर उनके पति मर जाते थे, लेकिन उस पर भी हमने लड़ाई लड़ी और हमने उसको खत्म किया। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज 76 साल पूरे होने के बाद भी महिलाओं को विधानसभा में 33% आरक्षण नहीं मिला। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए वहीं पर पुरुष प्रधान जो मानसिकता है वो आगे आ जाती है और इस पर बार बार जो भी मतभेद है वो सामने आते हैं। पुरुष उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उस कानून को बनने नहीं देते। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगी कि 33% क्यों, अब हमें 50% चाहिए, क्योंकि अब महिलाएं घर में बैठने वाली महिलाएं नहीं है, वो शिक्षित है, वो आगे बढ़ रही है, राजनीति में आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है, आप किसी भी आईटी स्टाइल में ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, उसमें महिलाएं आगे हैं। और मैं आपको जो अशिक्षा का अभाव, मैं आपको महिलाओं के उसके बारे में बताऊंगी कि जब भी हमारे देश में सरकारें रही हैं, उन्होंने शिक्षा के नाम पर सिर्फ पैसा कमाने का काम किया। अगर सरकारी स्कूल अच्छे किए जाते तो ये जो लड़का लड़की का जो भेदभाव है कि लड़के को पढ़ा दो और वो आगे चलकर नौकरी करेगा, घर चलाएगा, और लड़की तो शादी होकर अपने घर चली जाएगी, ये भेदभाव उस परिवार में खत्म हो जाता। क्योंकि हमारे देश में 80% लोग मध्य वर्गीय के हैं, बिल्कुल गरीब स्तर के हैं, इसलिए वो इस भेदभाव को उन्हें करना पड़ता है कई बार मजबूरी में। अगर हमारी सरकारी व्यवस्थाएं स्कूल अच्छे होते तो और हमें फ्री में शिक्षा मिलती तो हम ये भेदभाव हमारा खत्म हो जाता और महिलाएं भी शिक्षित होती। दिल्ली सबसे पहले मानसिकता को बदलने की जरूरत है। देखिए मानसिकता तभी बदलेगी जब हम हमारी सरकारें भी हमें वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराए। अब दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया हो गया है कि अब लोगों को भेदभाव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री में शिक्षा मिल रही है उनको और अच्छे बिल्डिंग्स मिल रही है उनको, अच्छी सारी सुविधाएं मिल रही है। तुम्हें अपनी बेटी हो या बेटा हो, सबको वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी यही लागू होना चाहिए, सरकारी व्यवस्थाओं का छान होना चाहिए। अब शिक्षा की प्राइवेटाइज देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल की फीस 4,000, 5,000, 8,000, बताइए अब कोई अपना घर कैसे चलाए, जिसके दो बच्चे हैं, मान लीजिए दो बेटियां एक बेटा है, अपने बच्चा कोई सस्ता नहीं है, सब प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उसमें भी शहर में अगर कोई परिवार है तो वो लड़की को सरकारी में या छोटे प्राइवेट स्कूल में डाल देते जहाँ पे फीस कम है और लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। ये तो भेदभाव हमारे जो पूर्वजों से चली आ रही है उसको खत्म सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, शिक्षा खत्म कर सकती है और वो सरकारें खत्म कर सकती है अगर हम उन मूलभूत सुविधाएं हम जनता को प्रदान कर सकें। बिल्कुल तरुणिमा जी, आप व्यवस्था में सवाल उठा रही है, इसका जवाब हम लेंगे बीजेपी से, लेकिन अभी हम चलते हैं प्रसपा की तरफ। जिस तरह से रचना जी अपराध होते नजर आ रहे हैं यूपी में, आप अधिवक्ता भी हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि न्याय मिल जाता है, जल्दी मिलता है, या न्याय प्रक्रिया में बहुत समय मिलता है जब बात होती है महिलाओं की? देखिए जैसे कि मैं आपने भी बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला है, तो मैं एक लाइन से जरूर एक स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिना हवा ना पत्ता हिलता है, बिना लड़े ना हिस्सा मिलता है जी, यह नारा जो है आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था और ये समाज के सभी वर्गों के लिए दिया था, उसमें महिलाएं भी आती हैं जी। आज जो स्थिति है महिलाओं की, उसका कहीं ना कहीं कारण जरूर ये देखा जा रहा है कि जहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने से शुरू से ही पुरुष प्रधान देश ने रोका है, लेकिन ये भी कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कि पुरुष प्रधान देश होने के बावजूद भी आज हम लोग इतने क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज आप लोगों के सामने में यहाँ पर अपनी बातों को सतह रखने में सक्षम हूँ जी। जी रही बात न्याय की, तो न्याय में हाँ थोड़ी बहुत देर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। इवन मैं तो यही कहूंगी कि महिलाओं के लिए जितना लॉ बना हुआ है उतना पुरुषों के लिए नहीं बना हुआ है जी। और जिस तरह से अपराध देखने को मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बच्चियों के ऊपर रेप बलात्कार और उत्पीड़न जितना देखने को मिलता है, उस पर क्या कहेंगे, कितना बढ़ गया ये पहले के मुकाबले?
जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि अपराध हद से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं था कि पहले कभी होते नहीं थे, लेकिन इस वक्त जिस तरह के अपराध देखे जा रहे हैं, जबकि हमारी वर्तमान सरकार ने पुलिस को इतना छूट देने के बाद भी, कमिश्नर रेट एक इतना बड़ा पावर देने के बाद भी देखा जा रहा है कि बिल्कुल भी न्याय व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से नहीं की जा रही। आए दिन कहीं ना कहीं अपराध होते ही रहते हैं। इसका रेशियो आप खुद भी पता कर सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार होते हैं जी। इसको रोकने के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी जुडिशरी भी काफी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कम किया जाए जी। अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है, वो अपराध हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, इसके बाद भी इस पे लगाम लगती हुई नहीं नजर आ रही है, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, ऐसा नहीं है कि लगाम नहीं लगी है। आप ये देखिए, हमारे मिशन शक्ति इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा मिल पाए, और महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरीके से मिल रही है। आज महिलाएं अपने आप में सक्षम है। आज देखिए, ज्यादातर पुलिस विभाग में महिलाओं का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, और हमारी मोदी सरकार ने सबसे बड़ी व्यवस्था ये की है कि जो आवाज दिए जाते हैं जो महिलाओं के नाम पे दिए जा रहे हैं, और शौचालय महिलाओं के नाम पे, जो उनकी बिजली की महिलाओं के, क्योंकि जो महिलाएं अपने आप में उनके नाम पे कुछ नहीं था, एक समय पे महिलाएं केवल घर की काम करने वाली महिला होती थी, उसके नाम पे ना मकान होता था ना कुछ होता। लेकिन आज हमारी सरकार महिलाओं के नाम पे ही सब कुछ दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, कन्याधन योजना, इंटर तक बच्चियों को फ्री शिक्षा जी, ये सब। और पिछली सरकारों में मैंने देखा है कि लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रही थी, शौचालय नहीं होते थे, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। आज उन्होंने सबसे बड़ी व्यवस्था वो कि, जबकि विपक्षियों ने बहुत मजाक बनाया शौचालय का जी, लेकिन जिस तरह से अभी जी अनीता जी, अभी तरुणिमा जी ने जिस तरह से सवाल उठाया था कि अगर व्यवस्था अच्छी हो तो जो है शिक्षा भी अच्छी होगी और अच्छी पहुंचेगी। अपने शौचालय का निर्माण तो करा दिया, लेकिन जिस तरह से महंगाई हो रही है और सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है, उस पर क्या कहेंगी? ये भी तो कारण है आपके जी। नहीं बिल्कुल, एक मिनट सुन लीजिए, ये बात आपके मैं मानती हूँ। सरकारी स्कूलों में अब व्यवस्था पहले से काफी सुधर गई है। आप जाके देखिए, सरकारी बिल्डिंग अब सही हो रही है। पहले जो टीचर थे वो पढ़ाते नहीं थे, खाली बैठ के फीस देते थे, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनको कुछ नॉलेज नहीं थी, वो पढ़ाने जाते थे, उसके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं। लेकिन आज शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, आज स्वास्थ्य पे ध्यान, आज लड़कियों के स्वास्थ्य की वो ध्यान दिया जा रहा है। आज कुपोषण भी काफी कम हुआ है। आप देखिए कुपोषण कितना होता था। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि एक समय पे दहेज प्रथा सबसे बड़ा जहर था। आपने देखा था कि दहेज की वजह से लड़कियों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। आज आप देखिए, अभी सुनने में नहीं मिलेगा आपकी लड़की को दहेज के पीछे मार दिया गया। बहुत रेयर कहीं सुनने बाद, हमने ही संस्था बना के, हमने ही नारी शक्ति एक संस्था बना के इंडिविजुअल इसमें का मुकाबला किया, और हमने बहुत लोगों से काम किया, और आज इसमें उच्च न्यायालय लोगों ने भी, न्यायालय ने भी सारा इसमें बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से काफी कम हो गया है। मैं मानती हूँ कि खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप ये मानिए कि बहुत कम हो गया। बहुत रेयर सुनने को मिलता है कि दहेज के पीछे लड़की जला दी गई, लेकिन पहले आज अनीता जी ऐसे काफी मामले आते हैं जिसमें कि बीजेपी के नेता भी संलिप्त पाए जाते हैं अपराध में, इसमें क्या कहेंगी, चाहे वो उन्नाव का मामला हो या लखीमपुर का? मैं आपको बता दूं, जो भी पाया जाता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे बाहर का हो, इस मामले में हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल सख्त है कानून के लिए, बिल्कुल सख्त। कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा, वो चाहे कोई हो, उस पर सख्त कार्रवाई होती है, निष्पक्ष जांच होती है और सक्सेसफुल कार्रवाई की जाती है, कोई बख्शा नहीं जाता। आपने इस चीज को देखा होगा, अपराधी जो है 4 साल में पैदा नहीं हुए, अपराधियों को संरक्षण दिया गया, अपराधियों को हौसले बुलंद किए गए, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत, अपराधियों को मंत्री बना दिया गया, बलात्कारियों को मंत्री बना देगा, इसलिए अपराधी इतने बढ़ गए। आज अपराधियों को लगाम कसी जा रही है, अपराधियों को उत्तर प्रदेश के बाहर जा रहे, अपराधी जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद विपक्ष भी यही कह रहा है जो आपने अभी कहा है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, लखीमपुर घटना जो है वो किसान और दोनों तरफ से हुआ, दोनों से कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही, FIR तुरंत की गई है, उसमें तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जब वो कोई हो, कोई
दोषी को पाए सख्त कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच हो रही है और योगी सरकार इस मामले में बिल्कुल सख्त है। अपराधियों को कहीं संरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई अनीता जी आपको ब्लॉक प्रमुख के चुनाव याद है जिसमें महिला के साथ बदसलूकी की गई थी, साड़ी खींची गई थी? अच्छे से याद है, वो कौन से निकली थी, कौन सी महिला निकली थी, कौन से पार्टी निकली थी, आपको मालूम होगा जी। वही निर्दलीय लोग थे और बात कोई भी हुआ कि वो थी एक महिला किसी भी पार्टी की हो, नहीं तो उसमें सख्त कार्रवाई हुई, जब उसकी पूरी जांच हुई तो सब सख्त सामने आया। आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में अपने ही लोगों का बलात्कार किया, उससे उसका विरोध किया तो उसको मारा गया वहीं पे, ये आके मीडिया में दिखाया गया। और कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी ही पार्टी से परेशान होकर उसको छोटा पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके अंदर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी। वो चीज कम से कम देखने वाली कि कम से कम पार्टी के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बात है कि पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है महिलाएं, पार्टी में भी है, बाहर भी है, और जहां कोई ऐसी बात होती है कड़ी कार्रवाई होती है जी। और उसके बाद निष्पक्ष जांच होकर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। आरती जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप कितने सहमत है अनीता जी की बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं अनीता जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और क्योंकि अनीता जी ने अभी ये बोला कि दहेज हत्याएं रुक गई हैं जी, बिल्कुल नहीं रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी है अनीता जी, बिल्कुल नहीं रुकी है, नहीं बिल्कुल नहीं रुकी है अनीता जी, बिल्कुल नहीं रुकी है। 498A कानून पहले जब ये बीजेपी सरकार नहीं थी, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, बीजेपी सरकार नहीं थी, उसके पहले 498A धारा लगते ही पति को हिरासत में ले लिया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो उसके लिए चार्जशीट बनेगी, उसके लिए तहकीकात होगी, तब तक क्या होता है मामला दब जाता है, हमारी पुलिस बिक जाती है। आज भी दहेज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन शांत कर दिया जाता है लड़कियों को, शांत कर दिया लड़की के परिवार वालों को, शांत कर दिया जाता है अनीता जी। ऐसे ऐसा नहीं है, मैं आपको बता, आजकल कोई लड़की शांत रहती है ना कोई परिवार शांत रहता है, वो जमाने चले गए। अनीता जी लड़कियों का मुंह बंद कर दिया जाता है, जी ने आज मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जहाँ की बेचारे पुरुष लोग भी नहीं बोल पाते हैं, लड़कियां ऐसे ऐसे परिवार भी मैंने देखे, हम दोनों तरफ से भी कई बार जाते हैं, मैं खुद एडवोकेट भी हूँ। अनीता जी एडवोकेट भी उसे जानती हूँ, अच्छे से समझती हूँ। अनीता जी आप हाथस कांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और अभी जो रिसेंटली आपने अभी पुलिस की बात की, आपने योगी जी की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि योगी जी के गवर्नमेंट में और पुलिस को जो इतना पावर दे दिया गया उसके बाद भी एक महिला पुलिस के साथ जो बलवत्ता हुई, जिस तरह के साथ उसके रेप हुआ, उसको मार दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए आपने आपको मालूम है कितनी साल पहले, आप एक चीज बताइए, एक समय था जब सीओ को जीप पे बैठा के घुमा दिया जाता था, सीएमओ की लगातार हत्या खुलेआम सामने हो जाती थी, खुलेआम गोलियां चलती थी, आप वो भूल चुके हैं कुछ समय पहले की कैसे खुलेआम गोलियां चली है, पहले बंगाल में घटना हुई थी रिसेंटली इलेक्शन के टाइम पे। नहीं नहीं अभी आप बताइए, अभी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता जिसके साथ बलात्कार किया गया, सुनिए अभी कश्मीर बीजेपी ने उसमें कितना संज्ञान लिया, पहले सुनिए, श्रीनगर में जो महिला के साथ इतना बलात्कार हुआ सब, कोई पार्टी उसको बोली? एक यही है जो हमारी सरकार बोलती है, जहाँ महिलाओं पर हमारी सरकार बोलती है। राजस्थान में आज क्या हाल हो रहा है, आज कश्मीर में किसी ने एक शब्द भी बोला, लखीमपुर के लिए सब बोल रहे हैं, किसी ने श्रीनगर के लिए बोला जो खुलेआम गोलियां मारी गई, खुलेआम बलात्कार हुआ? कौन पार्टी है जो खुल के बोली हो? सबको वोट की राजनीति प्यारी है, देखिए शिखा जी, अनीता जी ये कह रही है कि जो योगी सरकार है वो महिला कानून पे बड़ी सख्त है जी, ये सिर्फ सख्त उस पे है, जैसे कुलदीप सैगर ने एक लड़की का रेप किया उसे बचाने का काम किया जी, उसके साथ खड़े हो गए, जब तक उस पर पूरा केस लागू नहीं हुआ, उस पर सजा नहीं मिली, तब तक उसे हटाया नहीं योगी सरकार ने,
जी आप कैसी बात कर रहे हो, कांड ले लीजिए, योगी जी की पुलिस जाती है रात के 2:30 बजे उस लड़की को पेट्रोल डाल के जला देती है उस दलित लड़की को, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है जो रेपिस्ट पक्ष है वो ठाकुर है। ये महिलाओं के नाम पे इतना उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ पर केस दर्ज नहीं होते, FIR में दर्ज नहीं करती पुलिस। करिए जाति की राजनीति, आप ये देखिए कि इन्होंने चलाया मिशन शक्ति, मिशन शक्ति में इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिलेगी इस पर कोई बात नहीं करी, पर 10-10 रुपए बांट दिए, इन्होंने सिर्फ इवेंट कराया जी। पूरे बड़े बड़े पूरे उत्तर प्रदेश में महिला मिशन शक्ति के नाम पर बोर्ड लगा दिए, लेकिन महिला को सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया। रुक जाइए, अपना जवाब दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था योगी जी के डायरेक्ट सेंटर में आता है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, नपुंसक हो गई है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई काम ही नहीं हो रहा है। अनीता जी जिस तरह से मिशन शक्ति के अलावा गाजियाबाद की घटना ले लीजिए, जी मुजफ्फरनगर की घटना ले लीजिए, जी जी कई घटनाएं हैं अनीता जी, जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई है, लेकिन कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं तो कहीं कमी देखने को मिल रही है, आखिर ये कमी कहाँ है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की, आखिर इतने कार्यक्रम चलाने के बाद भी जो कमी देखने को मिल रही है, अपराध में कमी नहीं आ रही है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, और जिस तरह से पुलिस की कार्यवाही देखने को मिलती है, आधी रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वो भी ऐसे ही कर दिया जाता है, कोई विधि विधान नहीं, हाँ, ये गलत है। उस वक्त एक्शन नहीं हुआ क्या, SCBI जांच नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है हमारे थाने कितने हमने बढ़ाए, महिलाओं के थाने बढ़ाए, महिलाएं थाने बढ़ी, सब हमने हमने मिशन शक्ति चलाया, हमने पिंक बूथ चलाया, हमने तुरंत जो इनका 109 जो उसकी व्यवस्थाएं बढ़ाई, और हमने मुख्यमंत्री डायल वो क्या 1076 किया, तो आज कम से कम महिलाएं तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है, एम्बुलेंस की बात होती है, आज देखिए आपको वो चीज नहीं मिलती जो महिलाएं के साथ पहले हुआ करती थी, पहले महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती थी, पढ़ने नहीं जा पाती थी, घर से निकल नहीं पाती थी, आज कम से कम स्कूल में जा रही है, पढ़ रही है, सब काम कर रही है, और बेसिक शिक्षा के इंटर तक शिक्षा हमारे यहाँ फ्री चल रही है, महिलाओं के लिए फ्री शिक्षा दी जा रही है लड़कियों के लिए, तो आज लड़कियों के और आज हमने रोजगार में भी महिलाओं को आगे बढ़ाया, यहाँ तक आत्मनिर्भर महिलाएं बनाई हैं, आज आप गांव में देखिए महिलाएं स्वयं अपना काम कर रही हैं, और आज एक गुट बनाकर काम हो रहा है, आज महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, आज महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर हो रही है, ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होती जो ठाकुर पंडित की बात करे कि वो ठाकुर है वो पंडित है, ये जाति गणना जो है विपक्ष लोग ज्यादा चाहते हैं कि जाति गणना होनी चाहिए, जात पात की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टिकरण की राजनीति, सांप्रदायिक लोगों का पलायन होता था और यहाँ से आए दिन दंगे होते थे, आज 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ ना लोगों का पलायन हुआ, नहीं ये चीज आप गलत कह रही है, अभी दंगा हुआ था, आपको बता दें कि जो सरकार है इसी में 2 बार दंगे हो चुके हैं, जैसा कि आपको याद होगा दंगा हो गया NRC के टाइम पे हुआ था, CNRC जब लागू हुआ था उस टाइम भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा, केवल दिल्ली में आप पार्टी ने वहाँ पे शाइन बार खड़ा कर दिया, इसलिए बाकी यहाँ पे अनीता जी आप बोल रही है इमामबाड़े पे भी काफी आगजनी देखने को मिली थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान धरने पे बैठा हुआ है और ये कह रहे कुछ उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो करी जा रही है, आखिर यहाँ पे 3 पार्टियां हमारे साथ मौजूद है, BJP है, प्रसपा है और आप है, तो हम तीनों से जानना चाहेंगे एक एक करके बताइए कि आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव है और महिला जो सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे, जाति का मुद्दा आ जाता है, धर्म का मुद्दा आ जाता है, विकास का मुद्दा आ जाता है, लेकिन महिलाएं बहुत पीछे हैं, हम यहाँ पे सभी महिलाएं बैठी हैं और सबसे अहम मुद्दा इस वक्त यही होना चाहिए कि आखिर महिलाओं के लिए क्या है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बीजेपी से कि आपके मैनिफेस्टो में क्या है। देखिए बात सही है कि इस मामले में महिलाओं को एक होकर आवाज उठानी चाहिए, हमने इस बात को अपनी पार्टी में भी रखा, बाहर भी रख, सब कहते हैं कि हमारे संख्या में 33% महिलाओं को
दिया जाता है, महिलाओं को पूरे पद दिया जाता है, संगठन में दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है आज नगर निगम में महिलाओं को दिया जाए पंचायत, इसी तरह लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और ये बात हम लोग रखते हैं और आज वही भागीदारी वो कर रहे हैं, और महिलाओं हमारी पार्टी में महिलाएं लड़ती है इस बात को लेकर कि हमारी महिलाओं का बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखा जाता है। आज ये मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए संगठन के अंदर भी, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं हैं, अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं, और आज राज्यसभा में भी हम लोग दो दो महिलाओं को भेजे हैं, ये बात सही, इस बार एमएलसी में नहीं हुआ, उसके लिए खुद संगठन ने बोला है कि अगली बार भेजेंगे, इस बार किसी वजह से नहीं भेज पाए, लेकिन हमें दूसरी पार्टियों से बात करती है जो आज इन्होंने महिलाओं को कहीं आगे नहीं बढ़ाया, कहीं ना उनको संगठन में जगह देते हैं, ना उनको क्या कहते हैं एमएलसी राज्यसभा में जगह देते हैं। ये हम महिलाओं के हित के लिए कहना चाहते हैं कि हर पार्टी के लोगों को, हर महिलाओं को अपनी पार्टी में बात रखनी चाहिए कि जैसे पुरुष 50% है वैसे महिलाएं भी 50% क्योंकि 50% बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। जी रचना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए जी, बिल्कुल, जैसी भागीदारी वैसे हिस्सेदारी, ये हम मानते हैं। जी 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 रचना जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है महिलाओं के लिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि राम मनोहर लोहिया जी ने महिलाओं के लिए और यहाँ तक कि जन जन के लिए बहुत कार्य किया है। जी, आप लोगों को याद होगा कि चित्रकूट में राम मेला लगता है जिसका पूरा श्रेय हमारे राम मनोहर लोहिया जी को ही जाता है, और ये जो कार्य हुआ सीता माता को पूरी तरीके से समर्पित है, और ये सीता माता को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है। जी, महिलाओं को हमारे पार्टी में जिस तरह का सम्मान मिल रहा है, अच्छी पोस्टों पे उनको बिठाया जा रहा है, उनको बोलने का मौका मिल रहा है, उनको पूरी तरीके से अधिकार मिल रहा है, आने वाले समय 2022 के चुनाव में हमारी सरकार बनती है, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम योजनाएं लागू की जाएंगे। अब मैं मैम की बात से असहमत हूँ, अनिता मैम की बात से, जैसे कि इन्होंने कहा है कि अभी कुछ बीजेपी को लेकर के जो महिलाओं को सुरक्षा और ये सब बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अभी भी मैम से एक सवाल किया है कि पुलिस अधिकारी जो एक महिला थी जिसके साथ रेप हुआ और वो उसके उसको कितना न्याय मिला, पहली बात तो एक सवाल मेरा ये है। हम सभी सक्षम है महिलाओं में, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही होता है कि हमारी जो पार्टी अभी की है, जो हमारी सरकार है, वो महिलाओं के लिए कितना काम कर रही है। हम तो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन आप बताइए पुलिस विभाग में बैठी हुई महिला के साथ रेप होता है, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, ऐसे ना जाने कितने सारे कांड होते हैं जो बहुत सारे हम लोग को पता ही नहीं चलते हैं। आपको जो कांड है उंगली में गिनने पड़े, पहले कांड आपको हर समय लिखे थे, आज उस महिला के साथ ही पूरा न्याय हुआ, जो पुलिस वाली महिला है उसके साथ पूरा न्याय किया गया, उसमें पूरी कार्रवाई हुई है और जो दोषी है उसको पकड़ा गया, तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। हाथरस वाले पे भी सीबीआई जांच हुई, सब कुछ हुआ। मैडम ने योजना तो गिना दी, अनीता मैडम ने योजना तो गिना दी, मगर ये नहीं बताया योजना नहीं, मैं बता रही हूं कार्रवाई पूरी होती है, पूरी कार्रवाई होगी है। आपने योजना बीजेपी की गिना दी, लेकिन योजना का क्रियान्वयन जो कर रहे हैं। जब यानी कि जब आप सपा के साथ थी, आपके सरकार में मुख्यमंत्री आवास के पास भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि एफआईआर तक नहीं लिखी थी उस टाइम। देखिए, घटनाएं होती हैं, ठीक है, कभी उस घटना पे हम आवाज उठाते हैं, कभी बहुत सारी चीजों को लेकर के हम नहीं समझ पाते तो आवाज, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई या उस पर कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन अब जिस तरह की घटना हो रही है उस पे जगह प्रकाश डाला जाए कि शक्तियां इतनी मिलने के बाद, शक्तियां इतनी मिलने के बाद सेंटर में और यूपी में बीजेपी है, इसके बावजूद आप दशा देख लीजिए महिलाओं की क्या है, आप बताइए। आरती जी, मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है, और जिस तरह से आपने सभी के बयान सुने, उससे क्या आप सहमत है? देखिए, जैसे अभी अनीता जी ने बोला कि अपराध कम हुए और थाने बढ़े, जी, तो यहाँ पर अपराध अगर कम हुए तो थाने क्यों बढ़े? अनीता जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपराध, अनीता जी, हाँ जी, तभी अपराध कम हुए, थाने बड़े तभी अपराध कम हुए, आज मोहल्ले में आज कम से कम पिग बूथ हर जगह मौजूद है, लोगों को लगता है कि हम चंद पकड़े जाएंगे, सीसी कैमरे हमारे लग गए हैं। देखिए देखिए अनीता जी, अनीता जी, अपराध कम होने चाहिए,
अपराध कम होने चाहिए, थाने बड़े अपराध कम हुए, थाने बड़े अपराध कम हुए, कितने 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 आए दिन आप पेपर में पढ़ो। क्या आप ये बताइए कि क्या पेपर में पहले जो आप लोग पढ़ते थे, पेपर पढ़ते थे, उसमें आए दिन होता था बलात्कार बलात्कार लूट, अब वो सारी खबरें वो नहीं है, आप नहीं है, अब क्योंकि नहीं, क्योंकि क्योंकि अब उन सब चीजों को दबा दिया जा रहा है जी। क्या बात कर रहे हैं, दबा दिया जा रहा है नेता जी, दबा दिया जा रहा है। मैं भी सोशल वर्कर हूँ और दिन भर मैं ये देखती हूँ अनीता जी, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, दिन भर ये देखती हूँ, अपराधों को दबाया जा रहा है, महिलाओं को चुप कराया जा रहा है। सुन लीजिए, गलत कह रहे, आज हरी के पास अपना कैमरा है, अपना मीडिया है, सोशल मीडिया से खबर, वही तो अनीता जी मैं बोल रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ की आवाज दबाई जा रही है महिलाओं की, महिलाएं महिलाओं की आवाज दबाई जा रही है। अब महिलाएं कहां सामने आ पा रही है, इसको बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल महिलाएं सामने आ रही है, खुल के बोल रही है, हरी के पास कोई सुनवाई नहीं अनीता जी, कोई सुनवाई नहीं है। पास एक मिनट अरुणिमा जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अपना सोशल मीडिया है उससे कुछ भी रिकॉर्ड करा जा सकता है, सोशल मीडिया पे वायरल करा जा सकता है, ये हम लोग देख ही रहे हैं कि हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीजें उजागर होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज होती है जिसकी सुनवाई नहीं होती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो तो बिल्कुल ध्वस्त है, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, कानून व्यवस्था इस समय सबसे मजबूत है, ध्वस्त नहीं है इस समय, सबसे ज्यादा योगी सरकार में कानून व्यवस्था पहले कानून व्यवस्था उसके बाद जवाब दे दीजिए, ताकि सब एक साथ सबका जवाब सुन सके, एक एक करके जवाब दीजिए जी। तरुणिमा जी, सुरक्षा को लेकर, उनकी सशक्तिकरण को लेकर जो काम कर रही है दिल्ली में, वही उत्तर प्रदेश में, इसको बता देती हूँ कि जैसे उन्होंने महिलाओं को लेकर उनके बस फ्री की है, बस यात्रा इससे फ्री की है कि उनके अगर उनके पास पैसों की कमी है या कोई दिक्कत है, वो कहीं काम पर जा रही है तो वो बस पर फ्री यात्रा कर सकती है। उनके सुरक्षा को लेकर एक एक हर बस पे स्पॉट दिया है दिल्ली सरकार ने, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, पुलिस दिल्ली के अंडर में नहीं आती, सरकार के अंडर में, मैं आपको पहले बता दूं, ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन फिर भी हमारे केजरीवाल जी ने वहां पर हर बस पे एक एक स्पॉट एक एक बंदा रखा है कि जिसमें अगर महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी होती है भीड़ में तो उसकी सुरक्षा की जाए। फिर पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे भी अपराध होता है कोई भी महिलाओं के साथ या किसी के साथ व्यापारी के साथ, तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिससे पुलिस को बड़ी आसानी होती है उसको ढूंढने में, उसको सजा दिलाने में। तो तरुणिमा जी, ये सब चीजें तो यूपी में भी है, तो यूपी में इतना अपराध कैसे है? यूपी में आप जी, यहाँ पे भी तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस ज्यादा से ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं मेन पॉइंट पे गाजियाबाद की रहती हूँ, जहाँ पे कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे तहसील है, उस एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अभी मेरे ही परिजन का एक्सीडेंट हुआ और हम ढूंढते रह गए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, हमें गाड़ी का कोई नंबर नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं पता चला, पुलिस ने साफ कह दिया कि भी हम कुछ नहीं कर सकते, आप रफा दफा करिए इस मामले को। इस तरीके के काम जो गाइडलाइन कई जगह बोला, जब हमारे हाईकोर्ट में हमने शुरुआत की, जहाँ और ऑफिस बोला, लेकिन सबसे पहले महिलाओं को ये सोचना चाहिए, जहाँ वो वर्क करती है कब से विशाखा गाइडलाइन वहाँ होनी चाहिए, ये निर्भय कांड के, लेकिन महिलाएं इसको उसे जिनको नॉलेज कहती है, जो महिलाएं सोशल वर्कर महिला जो यहाँ बैठी है उनको भी चाहिए कि जो ऑफिस में काम करती है या कहीं काम करती है वहाँ पे उनको विशाखा गाइडलाइन से पहले करना चाहिए, या फिर विशाखा गाइडलाइन है कि नहीं, ये एक अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है, जो कि महिलाएं इसको हमें आगे करके कहना पड़ेगा, हमें आगे होकर आना पड़ेगा। अनीता जी, तरुणिमा जी की बात पूरी कर लीजिए, हो जाएगी, उनको उनकी रणनीति बनाई जाए, हम अपने पुलिस विभाग को उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे महिला सुरक्षा को लेकर काम करना चाहिए, ये लागू करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कि महिला कांस्टेबल है उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है योगी सरकार में, अब वो कहाँ जाए अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है 2022 में, तो कानून व्यवस्था को इतने सुचारू रूप से चलाने की काम करेगी कि ये इतिहास
नहीं, अब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे वो फ्री बिजली देना हो, फ्री बस देना हो, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि फ्री से किसी का भला नहीं होता, ये सिर्फ वोट बैंक होता है। और दूसरी चीज ये कि हमें महिलाओं के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए बात करनी है, तो ये देखना जरूरी नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या काम करती है। एक मिनट तरुणिमा जी, ये बात बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं कि जो फ्री की बिजली और फ्री की बस सेवा दी जा रही है, भले ही कम पैसे में दी जाए, लेकिन इसका चार्ज लेना चाहिए, सरकार को इससे फायदा होगा। जो फ्री सिस्टम कर दिया है, इससे काफी इसके नुकसान भी है। विधायक और मंत्री फ्री में बिजली यूज करते हैं जी, फ्री में गाड़ी यूज करते हैं, फ्री में बंगला यूज करते हैं, हर एयरप्लेन के टिकट फ्री में यूज करते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। एक चीज बताई, नहीं वो फ्री नहीं है, वो लोगों के से लेकर इनको पूर्ति की जाती है, उसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जिनका जो से ज्यादा बिल आता है, वो बिल वहाँ से लेकर, वो लोग आप देखिए वहाँ पे दिल्ली में एक वर्ग इतना परेशान है जो कि बिल इतना ज्यादा आता है कि उनको लगता है कि हमने इतनी बिजली खर्च करने की कहाँ से आ गया। कभी उस वर्ग को भी जाके देख लीजिए, झांक लीजिए, वहाँ पे भी महिलाएं हैं, वहाँ पे भी लड़कियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली। अच्छा, एक मिनट, अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है, एक मिनट अंकिता जी, एक सबसे बड़ा सवाल अब आता है बिजली का। जिस तरह से कोयले की कमी भी देखी जा रही है, और यूपी में बिजली वैसे भी महंगी है, जहां एक तरफ मॉडल की बात कर दी जाती है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फ्री बिजली देंगे और बाकी सुरक्षा देंगे और जो भी वादे करे जा रहे हैं, यूपी में महंगाई है और उस तरह से अब ये देखा जा रहा है कि बिजली फिर से बढ़ने वाली है, तो यूपी की महंगाई पे अंकिता जी, अनीता जी क्या कहेंगी आप? ये तो पहले से ही है, जिस तरह से ये लुभावने वादे करे जा रहे, इससे वोट तो चले ही जाएंगे, लेकिन जनता को फायदा कुछ नहीं मिलेगा, जनता के लिए क्या करा जा रहा है? देखिए, ये सब जनता के लिए, और आज आपने बिजली घर घर पहुंचाई है, आज गांव गांव बिजली है, पहले गांव गांव में बिजली नहीं थी, घरों घरों में बिजली नहीं थी, आज कम से कम जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास बिजली पहुंच रही है, सब गांव में पहुंच रही है और लोग बिजली का यूज भी कर रहे हैं। और बाकी जानता की बात यह है कि महंगाई की बात ये मानते हैं कि आप महंगाई के साथ साथ लोगों की आय भी बढ़ रही है, एक मिनट ऐसा नहीं है। जी, एक मिनट आप अपनी बात पहले बोलिए, एक मिनट रुक जाइए अनीता जी। इन्होंने बिजली के रेट 3 रुपए कर दिए हैं, पहले 2 रुपए 2.5 रुपए यूनिट बिजली थी, इन्होंने अब 7 रुपए यूनिट बिजली कर दी है। आप सिलेंडर देख लीजिए, पूरे इतने साल में इन्होंने 4 साल में कितने बढ़ा दिए, पूरे 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 400 रुपए कुछ समथिंग सिलेंडर का दाम था, 700 रुपए। तो महंगाई का सबसे सीधा असर गृहिणियों पे ही पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं को बजट मेंटेन करना पड़ता है। मैं आरती जी आपके पास आती हूँ जी, एक मिनट तरुणिमा जी जी, बिल्कुल। अब महंगाई की बात हो रही है तो अब हम इसमें भी जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज, वो सब्जी हो, दाल हो, तेल हो, हर चीज पे महंगाई हो रही है, तो आरती जी बजट को मेंटेन करने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गृहिणियों को? देखिए, इस समय जो हमारे पास जो वास्तविक स्थिति है, जो आज की है, इतनी महंगाई बढ़ी है, हर दूसरे तीसरे दिन 25 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ गया जी, ठीक है। उसके बाद सब्जी, तेल, रिफाइंड का पीपा जो 1100 रुपए कुछ का आता था, वो आज की डेट में 2500 रुपए का आ रहा है जी। आम परिवार में जो एक व्यक्ति कमाने वाला है, उसका गुजर बसर नहीं हो रही है। मैं खुद, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों CMS में पढ़ रहे हैं जी, लेकिन आज की डेट में उनका फीस, उनका खाना, उनका पीना, सब कुछ मेरे लिए दुश्वार है, क्योंकि वो, मैं एक माँ हूँ और मेरे ऐसी बहुत सारी गृहिणी हैं जो कि इस चीज को फेस कर रही हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए आवाज हम लोग की दबाई जा रही है, क्योंकि हम बोलेंगे तो धारा 144 लागू है, हम बोलेंगे तो हमारे घरों में नोटिस पहुंचेगा, हम बोलेंगे नहीं। अनीता जी मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं अपनी बात को रखूंगी यहाँ पर, मैं क्योंकि हर व्यक्ति देखिए, हर व्यक्ति स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाता अनीता जी, हर व्यक्ति स्टूडियो तक नहीं आ सकता है, हमारा ये एक माध्यम है, अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है, और मैं सब कह रहे हैं, आप गलत बात बोलिए क्या अनीता जी, क्या नहीं, आप उसको एक्सप्लेन करो ना, क्या गलत बोल रही हूँ, महंगाई नहीं बढ़ी है, आप बताओ ना, हर दूसरे तीसरे दिन गैस का सिलेंडर महंगा होता है, 25 रुपए बढ़ गया, पेपर में आ गया, पेट्रोल डीजल जो 4 पहिया के वाहन से चलता था, आज वो 2 पहिया वाहन पे आ गया है, ये है हमारी सरकार अनीता जी, ये मेरी सरकार है, 4 पहियों से 2 पहियों पे ले आई है हम लोगों को, अनीता जी ये मेरी सरकार है,
बिजनेस क्लास व्यक्ति वो कहाँ बढ़ पा रहा है, जो बिजनेस क्लास व्यक्ति वो कहाँ बढ़ पा रहा है, सरकारी कर्मचारी बढ़ रहा है, उनकी सैलरी बढ़ रही है अनिता जी। नहीं, ऑनलाइन बिजनेस तो करे, घर बैठे बिजनेस करे, क्या बात कर रही हैं आप? तो महंगाई बिजनेस कहाँ कर पा रहा है कोई महंगाई में अनिता जी? अनीता जी आप ये बताओ, अच्छा अनीता जी मेरी बात सुनिए, आप अनीता जी आप मेरी बात सुनोगे? आंकड़ा देखिएगा, सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां उत्तर प्रदेश में खरीदी जाती है, सबसे ज्यादा। आज की डेट में अनीता जी चार पहिए से चलने वाला व्यक्ति दो पहिए के वाहन से चल रहा है, ये सच्चाई है, आप मानो इसको या ना मानो, आप ये सच्चाई है। निकाल के देखिए कितने चार पहिए वैन भी क्या और कितने दो पहिया वाहन। मैं बिकने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बिकने की बात ही नहीं कर रही हूँ। अनीता जी जिसके पास पैसा है वो महंगी गाड़ी लेगा, लेकिन आज भी 35-35 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल दोनों चीज। बिकेंगी तभी तो चलेंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। आप ऐसी बात बंद जो देखिए हाथी अनीता जी, हाथी तो हर कोई पाल लेता है, अनीता जी हाथी तो हर कोई पाल लेता है, खिलाने का दम होना चाहिए। हमारा मुद्दा है महिलाओं का, हाथी अनीता जी नहीं है, हाथी अनीता जी हमारा मुद्दा है महिलाओं का, और महिलाओं को महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है, आपको ये बात स्वीकार करनी होगी। आज भी पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं 35-35 पैसे, और रोज इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं, 100 को पार कर गया है। ये व्यवस्था जो है इंटरनेशनल होती है, नेशनल होती है, सब जगह आप जाएंगे पंजाब में देखो हालत रेट कम होता है, लेकिन नेशनल मार्केट कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही है। जब आप देख सकते रेट देख लीजिए, सुन लीजिए, आप महाराष्ट्र का रेट देख लीजिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा, पंजाब का रेट देख लीजिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ये हर प्रदेश की अपनी अपनी सरकारें करती है। आज पेट्रोल का दाम जब महाराष्ट्र का पता कर लीजिए आप, आज पेट्रोल का दाम आज पंजाब में पता कर लीजिए, क्या वो उत्तर प्रदेश में सब जगह से कम है रेट? आज भी मैं आपको बता दूं, जब किसी प्रदेश का देख लीजिए आंकड़ा। लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो हम चाहेंगे सबसे एक एक फाइनल आंसर चाहेंगे। एक लाख कमा रहे हैं जो 20,000 कमा रहे हैं, तो आज हम महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का मुद्दा ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए हैं, हालांकि पहले से कुछ इंतजाम जरूर करे गए हैं जिससे कमी आई है, लेकिन अभी भी अत्याचार और शोषण देखने को मिल रहा है। अब बलात्कार की बात करें तो वो चाहे 80 वर्ष की महिला हो या छोटी 6 महीने की बच्ची हो, उसका भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम रचना जी आपके पास आना चाहेंगे और फाइनल रिव्यू जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के ऊपर शोषण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इसके क्या नियम कानून है और कानून इस पे कितना तेज एक्शन ले रहा है इस वक्त? देखिए मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले अनीता मैडम की बातों का कुछ जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसे कि बात महंगाई की हो रही थी, तो आज जय श्री राम का नारा लगाने वाले और भगवान राम के नाम पर जन मन गण को लूटने वाली सरकार, कंपनियों को बेचने वाले शोषक लोग काल नेम की तरह सक्षम भेष धारण करके सत्ता के शिखर तक पहुंच गए हैं, और जनमानस के रक्त रक्त की एक एक बूंद चूस रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। राजनाथ सिंह की जब सरकार थी तो सरकारी पर्चों का दाम कर दिया गया 8 रुपए, लेकिन जब हमारी प्रसपा आई तब उसने 1 रुपए पर्चा किया। हम महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महिलाओं पे। तो रचना जी आप महिलाओं पे बात करिए, आज का विशेष कार्यक्रम ये महिलाओं के लिए है। देखिए महिला महिला की जहाँ एक मिनट अनीता जी जब कैबिनेट में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उस वक्त अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने चैंबर्स का निर्माण किया, सरकारी पर्चों को 1 रुपए किया, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या काम किया गया है प्रसपा जी? और महिला प्रसपा की तरफ से महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें लाई जा रही हैं? अनीता जी एक मिनट रुक जाइए। देखिए प्रसपा की तरफ से महिलाओं के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रसपा जो आज महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुराचार हो रहा है, प्रसपा इसके पूरी तरीके से खिलाफ है, और महिलाओं को लेकर सख्त कानून चूंकि बने हैं लेकिन उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उस पर पालन नहीं किया जा रहा है, पुलिस हमारी काम नहीं कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठने वाला व्यक्ति जिला अधिकारी भी काम नहीं कर रहा है। प्रसपा वो सब पे एक लगाम कसेगी, और अनीता जी फिर आप मुद्दे से अलग जा रही हैं, रुक जाइए
जी तरुणिमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से एक मिनट रुक जाइए अब रचना जी, हमारे पास वक्त की कमी है और हम महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तरुणिमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर और व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को, और अगर आप सरकार में आना चाहती है तो आप किन किन वादों के साथ महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे, हम इस चीज पे आपका फाइनल आंसर चाहते हैं। तरुणिमा जी, आपको आवाज आ रही है? जी आरती जी, मैं आपके पास आती हूँ, तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से व्यवस्था चल रही है इसमें किन किन चीजों पर सुधार और व्यवस्था को ठीक करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जो यहाँ पे बात हो रही है, तो सुरक्षित तो महिलाएं बिल्कुल भी नहीं है। आत्मनिर्भर बनने की बात कही जाती है, आत्मनिर्भर बन जाती है उसके बाद भी जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सरकार भी कई कदम उठा रही है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, लेकिन कमी आपको कहाँ नजर आ रही है? देखिए, आत्मनिर्भर बनाना और सुरक्षा, इस दोनों में अंतर है कि आत्मनिर्भर बनाया और आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं, कहाँ पे बन रही हैं, क्या किया, शहर के अंदर हम सब महिलाएं, शहर के अंदर, गांव की मैं बात नहीं कर रही हूँ अनिता जी, मैं शहर की बात कर रही हूँ, मैं गांव की बात नहीं कर रही हूँ, शहर की बात कर रही हूँ। शहर में महिलाओं कहाँ से, क्या आत्मनिर्भर बनाया गया, जो जहां था वो वहीं पर है, शहर की महिलाएं जहां पर थी, जिस स्थिति में थी वो उसी स्थिति में है, कुछ नहीं किया गया है शहर की महिलाओं के लिए। गाना गाया जाता है आत्मनिर्भर बनाया, शौचालय बनाया, आवाज दिए, कहां दिए, शहर की महिलाओं को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला शहर की महिलाओं को, जो क्योंकि उनका नीचे आ रहे, चाहे वो शहर के हो चाहे गाँव के हो, सबको दिया जा रहा है। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, मैं तो हूँ शहर की, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूंगी अनिता जी, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूंगी, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोलूंगी। ठीक है अनिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबको पढ़ाओ सबको आगे बढ़ाओ ये जो मुहिम चलाई जाती है बेटियों के लिए, ठीक है, तो इसको लेके क्या काम करा जा रहा है, और साथ ही जो आरक्षण की बात करी जाती है तो उसमें बेटियों के लिए कितना आरक्षण है, वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो, उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी सरकार ने साफ साफ ये बोला है कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जाती है और लड़कियों को नौकरियां भी दी जा रही हैं। अब पुलिस विभाग में भी नौकरियां बढ़ा दी गई है, हर जगह महिलाओं की नौकरियों को अलग रखा जा रहा है और उनकी नौकरियों की अलग परसेंटेज दी जा रही है, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी अपनी पार्टी के क्षेत्र में, सब जगह महिलाओं को आगे। और हमारा यही सबसे बड़ी बात है कि लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो आवाज भी देते हैं महिलाओं के नाम पे दे रहे हैं, पुरुषों के नाम पे नहीं दे रहे हैं। ये चीज बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिनको लग रहा है कि हमारा घर है, हमारे घर के जो महिलाओं के कदर ही नहीं। दुबे का कांड याद होगा आपको, उस महिला ने क्या गलती की थी जिसे सजा उसको इस तरह से मिली, बताइए आप मुझे, क्या वो महिला नहीं थी, उसने क्या अपराध किया था? आप तो अधिवक्ता है ना, आप बताइए कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति अपराधी है तो क्या पूरा परिवार अपराधी बन जाएगा? क्या हम उसको जेल में डाल देंगे, क्या उसको हम छुड़ाएंगे नहीं, उसकी बात नहीं सुनेंगे, बताइए आप। मेरी पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आपके घर में आपके पति आपके बेटे मालूम है इतना अपराध करके इतना सामान लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप उसका उस समय विरोध नहीं करेंगे? एक दिन की शादी में मैडम, मैडम एक दिन की शादी में कैसे बता सकते हैं आप? कर रही हैं आप एक दिन की शादी में मैडम, कैसे कोई कह सकता है कि क्या सामान आया? कुछ इस तरह से गलत काम करके आएगा, आप उसको खामोश होकर चलेंगे? हमारे पति की शादी, हमारी एक दिन की शादी में हमारा पति क्या करता है कैसे पता होगा? हमारी एक दिन की शादी में कैसे पता होगा मैडम? ऐसे नहीं होती है शादी, ऐसे नहीं होती है, बिना देखभाल के शादी आज का कोई नहीं करता जी, है। आप सभी मतलब ये, अच्छा आपके कहने का मतलब ये है जी, अपराध रुक जाइए, बताता है अब मैं आप सभी को यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। मैम मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि क्या मैडम, मैं जानना चाहती हूँ कि अपराधी खुद बताता है लड़की वालों को कि मैं अपराधी हूँ, देखो ऐसा है मैं इतना अपराध से कमाता हूँ, आपकी लड़की का हाथ काटने आया हूं। बंद करके बच्चों की शादी नहीं करते हैं लड़की वाले माँ बाप, आप बंद करके बच्चों की शादी नहीं करते हैं। आप बताइए, आप मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत आ रही हूँ, क्या आप नहीं आ रहे व्यक्तिगत, आप मत होइए, प्लीज रुक जाइए, हमारे पास समय की कमी है। देखिए कई दिक्कतें हैं और अभी भी कहीं, मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप शांत हो जाएं क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। रचना जी, रचना जी सेफ होती तो आज हम
डिबेट कर रहे हैं महिलाओं के, महिलाओं के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, महिलाओं से संबंधित कई दिक्कतें हैं और कई दिक्कतों को कम करने के लिए ही हमने ये चर्चा करी थी कि आखिर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अलग अलग विचार हैं और उन विचारों में से हमने इसलिए चर्चा की थी कि जो अच्छाइयां हैं वो हम अडॉप्ट कर सके और जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर सके। तो चर्चा तो हमने की, हालांकि इसमें कई राजनीतिक रूप भी आए और कई चीजें देखने को मिली है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरती मिश्रा जी जुड़ी थी, समाज सेवी अनीता जी जुड़ी थी प्रवक्ता बीजेपी से, रचना रिया जी जुड़ी थी मिश्रा जी प्रसपा से और तरुणमा श्रीवास्तव जी जुड़ी थी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि भारत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहा है और इसी आत्मनिर्भर भारत की हमें जरूरत है, लेकिन हमारे समाज में, देश में ये देखा जाता है कि लड़कियां कई परिस्थितियों से निकल के, कई कठिनाइयों से निकल के आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है और साथ ही इस चीज की भी जरूरत है कि भले किसी की भी सरकार रहे, महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए, क्योंकि जब महिला आगे बढ़ेगी तभी पूरा समाज आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।